हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल एंड चंदन कुमार प्रधान, वेलकम टू दिस चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेट्स बिगिन। एथरे हमें लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर रो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिबा बाय यूजिंग लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन सहाय्य रे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर रो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिबा। तबे हमें एठारे कंसीडर करिबा गोटे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेट अस कंसीडर अन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेटरटा ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। जेहेतु आम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करछे तेणुक से ऑसिलेटरटा एक्स डायरेक्शन ही ऑसिलेट हो। दैट इज द पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम और मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स। यही सिचुएशन रे जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आम कंसीडर करते जार मनेकर गोटे पार्टिकल जार मास एम जे कि ऑसिलेट होची तार इक्विलिब्रियम पोजीशन और जहाँ को हमें मीन पोजीशन कहचे अंडर द एक्शन ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कारण से ऑसिलेशन होची। तो ऐसे प्रकार रिस्टोरिंग फोर्स रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन आसीबो, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। व्हाट आर द टर्म्स के हियर वी कॉल इट एज स्प्रिंग कांस्टेंट और मध्य ताकु हमें कहि परबा फोर्स कांस्टेंट। एक्स एक्स टा हेउची से जो पार्टिकल जार मास एम जे के ऑसिलेट करुची एलोंग एक्स डायरेक्शन रे टू इट्स इक्विलिब्रियम और मीन पोजिशन रु। तो एक्सटा हो तार मीन पोजिशन रो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो फोर्स रे नेगेटिव साइन देचे। ये नेगेटिव साइन टा हमरो कोनो सुचाउसी ना से जो रिस्टोरिंग फोर्स थी तार डायरेक्शन टा ऑपोजिट हो कार डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन टा जो डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन टी एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुए तो रिस्टोरिंग फोर्स रो डायरेक्शन टी एलोंग नेगेटिव ऑफ दैट ऑफ एक्स एक्सिस हेबो। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट the force is directed opposite to the direction of displacement. Restoring force ti direction of displacement ra just opposite heba sei karan ra ame ethare negative force sorry negative sign use karche jehetu amara वन डायमेंशनल लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर टी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिवार अछि केउथिरु ना लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन रु। ते प्रथमे आमे से सिस्टम रो काइनेटिक एनर्जी केते पोटेंशियल एनर्जी केते लाग्रांजियन केते फाइनली लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन ने से सब वैल्यू पुट अप करिकि आमे तार इक्वेशन को डिराइव करि परिबा। वर्तमान हमार काइनेटिक एनर्जी बाहर करिबा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ मास ऑफ दैट ऑफ पार्टिकल स्मॉल एम जे कि ऑसिलेट करुची हार्मोनिक ऑसिलेशन रे एलंग एक्स डायरेक्शन रे तार वेलोसिटी माने कर वीएक्स वीएक्स स्क्वायर आमे जानी छे वीएक्स वेलोसिटी
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt जबको मु क्लासिकल डायनामिक्स रे ले कुछ एक्सटेट साहज रे वर्तमान मैं आपको लिखि दे पारियो हाफ एम एक्सटेट स्क्वायर ये होची काइनेटिक एनर्जी से वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट आम तार पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवा द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ दैट ऑसिलेटर इज गिवन बाय तार पोटेंशियल एनर्जी टा केते फाइंड आउट करवा। लक्ष्य कर आम गोटे रिलेशन पाई फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडिएंट माइनस डीवी बाय डीएस। तेणुक आम जी पोटेंशियल को कैलकुलेट करवा भि इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स यदि भि टी से डिस्टेंस रे गोटे फंक्शन हुए तो पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ओवर माइनस एफ डी एक्स। एफ वैल्यू हमें केते पाइचे माइनस के एक्स इंटीग्रेशन ओवर माइनस माइनस के एक्स डीएक्स जार वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर के एक्स डीएक्स के कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी सीटा हूँ यठार इंटीग्रेशन कांस्टेंट तबे इंटीग्रेशन रो कांस्टेंट मूल्य टी आमे पाई परबा जदी को आमे ए सिचुएशन रे तार बाउंड्री कंडीशन यूज करिवा। मन कर आमे जो लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर टी कंसीडर करछे तार मीन पोजीशन रो वाइब्रेट होची जे तार मीन पोजीशन को तार रेफरेंस लेवल नवा तबे सेई मीन पोजीशन रे तार पोटेंशियल टा जीरो आफ्टर एक्स डिस्टेंस इट हैज ए पोटेंशियल से ही बाउंड्री कंडीशन यूज करके आम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मूल्य टी फाइंड आउट करी परबा। लेट वी प्रिफर इट एज इक्वेशन नंबर टू इफ वी अस्यूम दैट द रेफरेंस लेवल to the mean position then at that mean position say mean position re potential energy is equal to zero ta mane ame kahi pariba x ra value for एक्स इज इक्वल टू जीरो तार पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो देन बर्तमान से वैल्यू हमर इक्वेशन टू रे पुट अप कले एक्स रो वैल्यू जीरो पुट अप कर भि एक्स इज इक्वल टू जीरो तेज भि ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन वी पुट देन सी इज इक्वल टू जीरो दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। देयरफोर इक्वेशन टू विल बी दैट कांस्टेंट वैल्यू इज पुटेड हियर दैट पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय टू इन सिंप्लीफाइड मैनर वी कैन राइट इट एज हाफ के एक्स स्क्वायर
बर्तमान आम काइनेटिक एनर्जी केते पाई गले पोटेंशियल एनर्जी केते पाई गले बर्तमान आम इजिली तार लाग्रांजियन कैलकुलेट कर परबा द लाग्रांजियन एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एल इज इक्वल टू एठारे आम काइनेटिक एनर्जी केते पाई थिले हाफ एम एक्सटर्ड स्क्वायर हाफ एम एक्सटर्ड स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी केते पाई गले हाफ के एक्स स्क्वायर लाग्रांजियन पाई गले तो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रे यूज करके तार इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिबा ए जो प्रकार रो हार्मोनिक ऑसिलेटर आमे एठा लक्ष्य करछे जेतु वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेशन तार ऑसिलेटिंग केवल एक्स डायरेक्शन हेउची तो ए प्रकार डायनामिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करिबा पई आमे जनरलाइज कोऑर्डिनेट गोटे मात्र जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज करवा जहाँकि एक्स हियर वी चूज जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स देयरफॉर लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन is d by dt of del x dot minus del x is equal to 0 बर्तमान आमे सेई सब वैल्यू गुडी पुट अप कर दबा d by dt of बर्तमान लाग्रांजियन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट जदी डिफरेंशिएट करबा ए टर्म रे कोनोसी एक्स डॉट रो वैल्यू नाही त माने r डिफरेंशिएशन 0 आसीबो केवल r डिफरेंशिएशन हो पारे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटार्ट हाफ एम कन्स्टांट एक्सटार्टर डिफरेंशिएशन दैट इज टू एक्सटार्ट माइनस बर्तमान लाग्रांजियन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटा डिफरेंशिएट करवा इधर एक्सटा कौन टर्म ना आर डिफरेंशिएशन 0 आसो इधर एक्सर एक टर्म अच्छी तो मैंने आर डिफरेंशिएशन के आसो माइनस हाफ के टू टू एक्स इज इक्वल टू 0 हाफ हाफ कैंसल आउट एम एक्सटर्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करवा एम टा कन्स्टांट एक्सटर्ट डिफरेंशिएशन अगेन दैट इज एक्स डबल डॉट माइनस हियर माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसल आउट दैट इज प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 आम सिंप्लीफाइड मैंने लिखिदे पारा जी एम टा को डिवाइड कर करदे तेज एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम इनटू एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ मोशन यह हूँ से वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर रा इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ आम लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके यूज कले विच इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पाई यह होती इक्वेशन ऑफ मोशन तेणुक वीडियो मध्यम आम लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कले बाय यूजिंग लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आम गोटे वन डायमेंशनल लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर कले जे कि एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करती जहाँ जो पार्टिकल मास थिला स्मॉल एम जे कि इक्विलिब्रियम पोजिशन रे ऑसिलेट करथिला रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पाइबा पई आम तार बाउंड्री कंडीशन यूज कले लाग्रांजियन फाइनली आम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कले जहाँ गोटे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर इक्वेशन ऑफ मोशन लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रु फाइंड आउट कले सो विथ दिस यूजफुल एंड इनफॉर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन थैंक यू।